2019 में राजधानी लखनऊ के नाका इलाके में हिंदू समाज पार्टी के अध्यक्ष कमलेश तिवारी हत्याकांड मामले में जिला अधिकारी अभिषेक प्रकाश ने बड़ी कार्रवाई करते हुए दो हत्या आरोपियों पर एनएसए लगाया है। हत्यारोपी यूसुफ खान पुत्र इशरत खान पठान निवासी फतेहपुर और सैयद आसिम अली पुत्र हातिम अली निवासी नागपुर पर जिला अधिकारी अभिषेक प्रकाश ने एनएसए लगाया है। लखनऊ कारागार में बंद दोनों हत्यारोपियों को जेल में ही एनएसए नोटिस की तालीम कराई गई है। दरअसल 18 अक्टूबर 2019 को हिंदूवादी नेता कमलेश तिवारी की उनके घर में घुसकर हत्या कर दी गई थी। शुरुआत में इस हत्याकांड में पुलिस ने गुजरात से 3 और उत्तर प्रदेश से 2 लोगों को गिरफ्तार किया था। कमलेश तिवारी हत्याकांड मामले में उत्तर प्रदेश पुलिस ने 13 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। आरोपियों में से अशरफ और मुइनुद्दीन पर हत्या का आरोप है। आपको बता दें कि कमलेश तिवारी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दिल दहला देने वाली जानकारी सामने आई थी। रिपोर्ट के मुताबिक हत्यारों ने कमलेश तिवारी पर 15 बार चाकुओं से वार किया था। न्यूज डेस्क।